सो जनरली इस चैनल पे मैं उन चीज़ों की वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और क्रेडिट कार्ड्स भी एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी हमें ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हम मोस्टली इसको शौकिया तौर पे लेते हैं। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना मैंडेटरी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रेडिट कार्ड लोग बस शौक के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इस वीडियो को मैंने यहाँ पर अपलोड किया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत की नहीं है उसको अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो अपनी लाइफ में तो वो ज़रूरी बन जाएगा आपके लिए। और क्रेडिट कार्ड भी मेरे एक्सपीरियंस में एक ऐसा ही एक प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको अगर आप नहीं लोगे, नहीं यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़रूरी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मुझे बहुत ही कम चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, और क्रेडिट कार्ड इनमें से एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। और मेरे कई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझसे रेगुलरली क्वेरी करते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं इसको कैसे यूज़ करूं, या मुझे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपने जानने वालों से जो मुझसे पूछते हैं कि मैं कब पे करूं, कैसे पे करूं, क्या फ़ाइन होगा। इसके लिए मैं इसको बना रहा हूं क्योंकि आई एम श्योर जो क्रेडिट कार्ड का ट्रेंड है वो बढ़ गया है और वही बढ़ेगा ही, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता हो ताकि वो उसको सही से यूज़ कर सकें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप क्रेडिट कार्ड से दूर रहें अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो। सो पहला क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करती है अगर आपकी कोई रेगुलर इनकम है तो। अगर जॉब से है, चाहे बिजनेस से है, अगर आपका आपको मंथली पैसे आते हैं तो बैंक आपको आराम से एक क्रेडिट कार्ड दे देगा और जिसमें वो बोलेगा कि आप इतने पैसे आप खर्च कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी सैलरी है, कितनी इनकम है। और जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, मंथली इनकम होगी, उतना ही आपको बैंक लिमिट प्रोवाइड करेगी, और जितना ज़्यादा लिमिट प्रोवाइड करेगी बैंक के लिए उतना अच्छा है क्योंकि आप उतने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे। और अगर आपकी सैलरी या मंथली इनकम कम है और अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो, और अगर आपको बैंक कम लिमिट देती है तो उस केस में भी अगर आप ज़्यादा खर्च करोगे और टाइम पे करोगे तो आपको जो बैंक है वो कार्ड की लिमिट बढ़ा देगी कुछ टाइम के बाद, 6 महीने या 1 साल के बाद। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बैंक क्यों देती है आपको क्रेडिट कार्ड। इसका दो आंसर है। पहला आंसर बहुत छोटा है, ताकि आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें, और जो बड़ा आंसर है वो भी यही है, लेकिन ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ये दे के बेचती है कि आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए और आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट्स को आप रिडीम कीजिए, या वो ये बोलती है कि आप कार्ड अप्लाई कीजिए और आपको 1500 रुपये का वाउचर मिलेगा या 1000 रुपये का वाउचर मिलेगा, लाइफ टाइम कार्ड है। लेकिन जो मेन गोल होता है बैंक का वो ये होता है कि या तो आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करो EMI के थ्रू, या आप जो लोन्स के ऑफ़र आते हैं कार्ड पे वो आप यूज़ करो। तो होता ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो दो चीज़ें होती हैं। पहला ये कि आपने उस पैसे को अभी तक कमाया नहीं जो आप खर्च कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपने बैंक से लोन लिया है। इस वक्त तो आप आराम से स्पेंड कर लेते हो पैसे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो कई बार आप सोचते हो कि पैसे देने की बजाय मैं इसको EMIs में कन्वर्ट कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे जैसे आपके पास ऑप्शन होगा पैसे खर्च करने का, वैसे वैसे आप नई चीज़ें देखोगे, जैसे AC हो गया, बड़ा फ्रिज हो गया, नया फ़ोन हो गया, तो आप सोचोगे कि ठीक है मेरे पास आईफोन तो मुझे लेना ही है तो मैं क्रेडिट कार्ड से ले लेता हूँ। जबकि अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आपने उस फ़ोन को नहीं लिया होता। तो क्रेडिट कार्ड का जो मेन गोल होता है, जो मेन पर्पस होता है, वही होता है कि कस्टमर वो पैसे खर्च करे जो उसके पास नहीं है और वो इस तरीके से लोन और डेट के चक्कर में फंस जाए। और मैं फंस चुका हूँ इस चक्कर में, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इस बारे में, हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मेन पर्पस यही होता है कार्ड का। और दूसरा ये होता है कि जो आपको आदत लग जाती है एक बार किसी चीज़ की, नई चीज़ें खरीदने की, तो फिर उस चीज़ को आप बार बार यूज़ करते हो, है ना। और अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो फिर भी आप बचे हुए हो। दूसरे क्रेडिट कार्ड, तीसरे क्रेडिट कार्ड में लोग जब फंस जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को लेकर के। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जो डेट्स हैं, जो लोन होता है आपका, वो बढ़ जाता है बस। और ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से सिर्फ बुरी आदतें लगती हैं, क्रेडिट कार्ड से आप काफ़ी पैसे बचा भी सकते हो, लेकिन नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है इसका। और ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम, जैसे ग्रेट इंडियन सेल हो गया, दिवाली, दुर्गा पूजा के टाइम काफ़ी डिस्काउंट मिलता है आपको, ऐसा नहीं है, और बाकी टाइम भी आपको डिस्काउंट बहुत मिलता है। मैंने जितने भी अपने परचेज मैंने किए हैं सारे मैंने क्रेडिट कार्ड से किए, मैंने काफ़ी डिस्काउंट लेने के बाद परचेज़ किया है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि जितनी भी मैंने चीज़ें ली हैं उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी।
तो मेन एक कंसर्न जो होता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, वो यही कंसर्न होता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का जो एक बहुत ही ऑब्वियस जो फ़ायदा है वो ये है, कभी आपको अर्जेंट पेमेंट करनी हो, चाहे वो LIC की पॉलिसी हो, चाहे ट्रेन टिकट्स हो कहीं जाने की, या कुछ अर्जेंट मंगाना हो आपको, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो ये अगर आप सिर्फ इन चीज़ों के लिए, अगर आप सिर्फ अर्जेंट चीज़ों के लिए यूज़ करोगे क्रेडिट कार्ड, अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है, अगर आप बहुत ही ध्यान से अपने पैसे को देखते हो खर्च करने से पहले, तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। सो क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जो है वो ये होता है कि आप EMI में भी चीज़ों को खरीद सकते हो, और दूसरा ये भी होता है कि आपको टाइम मिल जाएगा पे करने का। तो मैं तो इसलिए लेता हूँ क्रेडिट कार्ड जितने भी मैंने लिए हैं, कि अगर मुझे अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है या कुछ पे करना है, तो मैं पहले कार्ड से पे कर दूंगा और बाद में फिर इसको मैं पे कर दूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो हमारे पास होता है, एक होता है बिल जनरेशन डेट, जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, और दूसरा होता है हमारे पास पेमेंट डेट, ठीक है। पेमेंट डेट होती है वो बिल जनरेशन डेट के 20 या 22 दिन के बाद होता है। तो अगर आपका बिल जनरेशन डेट जो है एक तरीका है, तो लगभग 20 या 22 के आसपास आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए ये लेके चलते हैं कि आपके पास एक नया क्रेडिट कार्ड है और आपका कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है, आपको कुछ भी बैंक को पे नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी बिल जनरेट होता है उसके बाद मैं कोई शॉपिंग करता हूँ, ताकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिल सके पे करने के लिए, अगर मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम चाहिए। अगर मुझे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करूँगा और उसमें कोई भी मुझे इशू नहीं है। अब क्या होगा, अगर जब एक तारीख का जो आपका बिल जनरेट हुआ उसमें अगर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, तो क्या होगा, 1 दिसंबर को आपका बिल जनरेट होगा, और 1 दिसंबर को जो बिल जनरेट होगा उसमें ये लिखा आएगा कि आपने 2 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो भी आपने खर्च किया है वो आपको पे करना है, और कब पे करना है, तो बिल जनरेशन के 20 दिन के बाद। तो वो होगा आपका 20 या 22 दिसंबर के आसपास, ठीक है। जब भी स्टेटमेंट जनरेट होता है, जैसे अगर 1 दिसंबर को स्टेटमेंट जनरेट होगा या बिल जनरेट होगा, तो जो भी मैंने खर्च किया है पिछले 30 दिनों में वो अमाउंट आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बिल जनरेशन के बाद ही कोई भी चीज़ जो है कार्ड पे स्पेंड करता हूँ। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, ताकि मैं अपने डेट्स जो है उस डेट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ जब भी मैं पेमेंट करता हूँ। तो अगर मैं बिल जनरेशन के कुछ दिन पहले खर्च करूँगा कोई चीज़, है ना, तो अगर बिल जनरेशन एक डेट का एक तरीका है, अगर मैं 28 या 29 को करूँगा, तो मुझे कब पे करना पड़ेगा, बिल जनरेशन के 20 दिन के बाद पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिल जनरेशन के बाद पे करता हूँ, कार्ड पे स्पेंड करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 50 दिन। तो मेरा मेन पर्पस यही था कार्ड को लेने का, और मैं सारे परचेज में ऐसे टाइम देख करके ही करता हूँ। ये पॉइंट जो मैंने बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, बट लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको कोई डाउट होता है तो, बट ये ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी। तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं, कि हमारे पास एक होता है टोटल अमाउंट ड्यू और दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो जब भी आप कोई परचेज करते हैं, तो आप ये ध्यान दें कि हमेशा आपको पूरा अमाउंट पे करना है, नहीं तो आपके जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस लग जाएंगे और आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सिबिल स्कोर पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है और अगर आप उस पर अमाउंट टाइम पे नहीं पे करेंगे, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिबिल स्कोर एक बार ख़राब हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं होता है। मुझे याद है मेरा सिबिल स्कोर बहुत ही कम हो गया था एक बार, जब मैंने बहुत लोन यूज़ कर लिया था अपना, लेकिन उसके बाद जब आप टाइम पे करने लगते हो तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो अगर आपकी कोई EMI मिस हो गई है या आपका अमाउंट कोई मिस हो गया है, तो उससे कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लंबे टाइम के लिए। आपको पेमेंट टाइम पे करते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा अपने आप। तो थोड़ा बहुत मैंने बताया आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि इससे नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है, बट स्टिल मुझे क्रेडिट कार्ड पसंद है, अच्छा लगता है मुझे रखना, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं चीज़ें परचेज कर सकूँ किसी भी टाइम, और इसलिए मैंने जमा कर रखा है इतना, वरना अगर मुझे पसंद नहीं होता तो मैं इतना जमा नहीं करता। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्रेडिट कार्ड से बच के रहें, अगर आपके लिए ये पॉसिबल है। तो मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसको अब हम धीरे धीरे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और मेरा जो मेन मेजर पर्पस होता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, EMIs पे चीज़ें लेने के लिए रखता हूँ, या फिर ऑफर्स के लिए रखता हूँ, या फिर जो लोन का ऑफर आता है उसके लिए रखता हूँ। और लगभग सारे ही क्रेडिट कार्ड पे मैंने ऑलमोस्ट लोन ऑफर ट्रैक किया हुआ है, तो मैं उस लोन ऑफर के बारे में बात करूँगा, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है
और जो ऑफर्स होते हैं लोन के, मैं उस बारे में बात करूंगा और हम सारे क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करेंगे। तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो क्रेडिट कार्ड है, इसका फील थोड़ा अच्छा है बाकी कार्ड से, कलर थोड़ा डार्क है तो थोड़ा प्रीमियम फील आता है कार्ड को होल्ड करके। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन मिलेंगे आपको जो इसका ऐप है वहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं तो। और जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हैं कार्ड को, बट मैंने देखा है कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में जो उनका लिमिट है वो एक साल के बाद अपने आप वो इंक्रीज़ कर देते हैं आपके लिमिट को। तो स्टार्टिंग में जो लिमिट था वो कम था लेकिन उसके बाद लिमिट को डबल कर दिया। तो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनका मेन, जो मैंने बताया आपको, जो मेन पर्पस होता है कि एक तो ये होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें और दूसरा ये होता है कि जो उनके लोन ऑफर्स होते हैं उनको आप यूज़ करें। तो एक्सिस कार्ड में क्या है कि जब एक साल हो जाएगा तो आपको लोन का ऑफर आना शुरू हो जाएगा। और लोन के बारे में मैं बता दूँ आपको कि जब भी आपको लोन का ऑफर आता है तो जब लंबे टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो। जैसे जो होम लोन होता है, अगर आप लंबे टाइम के लेते हो इसके लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा मिल रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि इसको कम से कम टाइम के लिए आप लीजिए, तो क्योंकि आपको इंटरेस्ट बर्डन जो है वो थोड़ा कम पड़े। मेरा तो एटलीस्ट यही रूल है, लेकिन लोन की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से करते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट लोन से दूर रहिए। जो लोन, जब भी आप लोन लेते हैं तो उससे आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो बिगड़ता है, तो आप लोन को अवॉइड करिए जितना पॉसिबल है आपके लिए। तो तीन कार्ड में से एक कार्ड जो है वो आपका फ्लिपकार्ट के लिए है, और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जो एक अच्छा फीचर है। और बहुत सारे बैंक्स नए नए ऑफर लेके आते हैं ताकि आप ज़्यादा स्पेंड करें, तो ये एक वैसा ही ऑफर है। तो फ्लिपकार्ट का जो कार्ड है इस पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन शायद सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आपको पैसे खर्च करने ही है तो एटलीस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो भी अच्छा है। अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं कोई चीज़, या आप पैसे खर्च करते हैं और बाद में आपके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो उसको आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, और सारे क्रेडिट कार्ड्स में ये ऑप्शन होता है। लेकिन रेट्स जो है वो अलग होते हैं। तो एक्सिस बैंक के केस में रेट जो है 18% है। एक्सिस बैंक का जो कार्ड है उसकी जो फीस है वो 250 रुपये है। कोई भी कार्ड अगर आप ऑफर के टाइम में लेते हो तो वो आपको लाइफ टाइम फ्री बोल के बेचते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको थोड़ा सा फीस देना पड़ता है। तो एक्सिस बैंक के केस में ये जो फीस है वो 250 रुपये है। तो एक्सिस के केस में भी अगर आप 250 रुपये पे करते हो तो वो आप एज अ वाउचर रिफंड हो जाता है, जोमेटो वाउचर या कोई भी वाउचर। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही पॉपुलर है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोगों के पास HDFC क्रेडिट कार्ड होगा। और अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स के दीवाने हैं तो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा भी अगर आप एप्पल की वेबसाइट पर कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट या कैशबैक मिलता है। अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं और बाद में आपने डिसाइड किया कि मुझे इसको EMI में पे करना है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे एक्सिस बैंक में मैंने बताया आपको कि तीन कार्ड मुझे बैक टू बैक ऑफर हुए थे, लेकिन HDFC में ऐसा नहीं है। HDFC बहुत टाइम लेने के बाद आपको दूसरा कार्ड ऑफर करती है, और अगर आप HDFC कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको भी लोन ऑफर मिलेगा। और लोन ऑफर का जो रेट है वो आई थिंक काफ़ी कम था, वो मैं 12% बोलना चाहता हूँ, बट अप्रॉक्सीमेटली इतने थे। बहुत टाइम पहले मैंने लिया था तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही था जो मैंने लिया था। तो बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जिनमें कि आपको पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब आप पैसे खर्च करोगे और उसको आप एक बार में पे करोगे। अगर आप इसको EMI में कन्वर्ट कराते हो तो उसमें आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो HDFC का मनी बैक कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि आप EMI में भी अगर आप परचेज करते हो तो उस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और कई बार ऑफर्स आते हैं जिनमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। धीरे धीरे बैंक जो है इस ऑफर को रिड्यूस कर रहे हैं EMI वाले ऑप्शन को, ताकि लोग ज़्यादा स्पेंड करें, तो ये भी एक तरीका है ताकि आप ज़्यादा पैसे खर्च करें। और HDFC केस में अगर आप बेस कार्ड लेते हैं, जो बेसिक कार्ड उनका होता है, तो वो फ्री होता है। और अगर आप रेगालिया कार्ड लेते हो, चाहे उसके ऊपर का कार्ड लेते हो, तो आपको वो बोलते हैं कि आप 30,000 रुपये खर्च करो एक क्वार्टर में और वो कार्ड जो है फ्री हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो 1,000 रुपये का उसका एनुअल फीस होता है। तो HDFC का जो कार्ड है उसमें एक ऑप्शन ये अच्छा है कि अगर आपके पास पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तो उसको आप एज अ कैशबैक रिडेम्पशन कर सकते हैं उसका, जो कि सारे कार्ड्स में अवेलेबल नहीं है, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा। पहले मैं पॉइंट्स को अमेजोन के वाउचर के थ्रू रिडीम करता था, लेकिन बहुत रिसेंटली मुझे पता लगा, तो एक अच्छा फीचर है। ICICI कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास अमेजोन का कस्टम कार्ड है, और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, और अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो 3% कैशबैक मिलता है। तो मैंने इस फीचर को काफ़ी यूज़ किया है। अगर आपकी स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा है तो जो नेक्स्ट आपका जो कैशबैक होता है वो आपको अमेजोन पे बैलेंस में वापस आ जाता है नेक्स्ट जब स्टेटमेंट जनरेट होता है उसके बाद। तो पहले, इनिशियली काफ़ी टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे
पहले पेटीएम पे रेंट का जो ऑप्शन है मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसको, और उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने जमा कर किए हैं, कैशबैक मैंने लिया है। अब लेकिन सारे बैंक्स ने 1% चार्ज लगा दिया है क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं इस फीचर को, आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, तो अब काफ़ी कम हो गया है। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि आप बार बार शॉपिंग करें और आपको थोड़ा ईजी लगे, पूरा बैंक का पर्पस ही वही होता है क्रेडिट कार्ड का। तो इस अमेजोन पे ICICI कार्ड का कोई एनुअल चार्ज नहीं है और जो दूसरे कार्ड्स हैं उनका 500 रुपये चार्ज है प्लस जो टैक्सेस का अमाउंट होता है, बट बाकी बैंक्स की तरह इसमें कोई वाउचर नहीं मिलेगा आपको, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिलता है। और अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं बैंक में तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 16% है प्लस जो 1% आपका प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग फीस सारे कार्ड्स पे लगता है। तो सिटी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिटी अच्छा कार्ड है, काफ़ी फंक्शनैलिटी इसमें भी है जो मुझे अच्छा लगता है सिटी के बारे में। इसका जो हमेशा ऑफर होता है लोन्स को लेकर के, क्योंकि आपको मैंने बताया मैंने काफ़ी लोन्स लिए हुए हैं, तो लोन का जो ऑफर है काफ़ी अच्छा है और जो उसका एनुअल फीस है वो 1000 रुपये है और अगर आपने साल में 30 रुपये खर्च कर लिए तो आपको वो जो फीस है वो माफ़ हो जाएगी। और लोन के साथ ही अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अगर आप बैंक में फ़ोन करते हैं EMI में कन्वर्ट कराने के लिए, तो पहले जो इंटरेस्ट रेट था आपका वो 24% था, अब वो इंटरेस्ट रेट जो है 18% हो गया है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है पहले से। तो सिटी का जब आप लोन यूज़ करते हो तो उसमें एक ये ऑप्शन भी होता है कि जब आपका लोन ख़त्म होने वाला होता है तो बैंक आपको और थोड़ा सा अमाउंट ऑफर करता है, और ये एक ट्रिक है जो बैंक यूज़ करती है अपने कस्टमर्स को और लोन्स लेने के लिए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो मैंने आपको टॉपअप का फीचर बताया ये हर बैंक ऑफर करती है ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं वो लोन में ही फंसे रहें, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपके लिए लोन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अनअवॉइडेबल है, अगर आपको घर के किसी ज़रूरी काम के लिए लेना है तो उस टाइम तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आप ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ पर आप प्लीज़ को अवॉइड कीजिए। तो इंडस कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस कार्ड्स मैं बोलूँगा उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन इसमें भी फीचर्स मिलते हैं आपको और ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो लाइफ टाइम फ्री का कार्ड अगर है तो अच्छा है क्योंकि आप कार्ड लेके भूल सकते हैं इसके बारे में। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें भी आपको ऑफर मिलेगा, लेकिन जितना SBI और HDFC आपको ऑफर करते हैं उतना नहीं मिलेगा, बट फिर भी ये एक अच्छा कार्ड है। तो अगर आप इंडस कार्ड से कोई चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16% है, और अगर आप इस पर लोन ऑफर भी अगर आप अवेल करते हैं तो लोन ऑफर भी आपको 16% पे ही मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो बहुत यूनिफॉर्म है दोनों ही ऑफर्स में, अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो भी और अगर आप लोन लेते हैं तो भी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इंडस कार्ड्स के लिए, और अगर जो पॉइंट्स आपके होते हैं वो भी आपको वापस मिल जाते हैं एज ए कैशबैक। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कार्ड है बहुत ही प्रीमियम कार्ड है इंडिया में और आपको 2000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी इसका जो बेस कार्ड है मेरे हिसाब से, और इसके काफ़ी महंगे महंगे कार्ड्स आते हैं। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को, अगर आप सिर्फ एक कार्ड लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लीजिए, लेकिन इसका जो फीस है अगर आप इसके जो फीस है इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, शायद 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये, उसके बाद आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल ये कार्ड जो है प्रीमियम कार्ड है, और एक अमेरिकन एक्सप्रेस का एक ब्लैक कार्ड भी आता है जिसके लिए आपको एटलीस्ट $10,000 पे करने होते हैं, और वो कार्ड आप तभी ले सकते हैं जब आपको इन्विटेशन मिलता है कार्ड के लिए। तो येस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। येस बैंक का कार्ड मैंने काफ़ी लेट लिया था तो इसकी लिमिट बहुत कम थी, बट जैसे जैसे मैंने यूज़ किया कार्ड को मेरी लिमिट बैंक ने बढ़ा दी, बहुत ही जल्दी बढ़ा दी, और लोन का ऑफर भी जो है यहाँ पे 16% रेट पे मिलता है आपको, अच्छा फीचर है मैं बोलूँगा क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है और दूसरे बैंक्स में आपको 18% 20% तक मिलता है। और अगर आप बैंक से नेगोशिएट करते हैं तो वो आपको अमाउंट बढ़ा के भी दे सकती है और इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम उनको फ़ोन कर रहे हैं। तो SBI कार्ड्स को भी देख लेते हैं। जो सबसे पॉपुलर कार्ड SBI का है वो है सिंपली क्लिक कार्ड, और इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में आपको काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे ट्रेन टिकट्स हो गया और ऑनलाइन अमेजोन पर जो शॉपिंग करते हैं उस पर मिलता है काफ़ी आपको। ये बहुत ही पॉपुलर कार्ड है। इसके अलावा फैशन एंड बिग बाजार का कार्ड है FBB, और उसके बाद एक सिंपली सेव कार्ड है। तो जो सिंपली क्लिक कार्ड है उसकी जो एनुअल फीस है वो 0 है और बाकी दोनों कार्ड्स की फीस 500 रुपये प्लस टैक्सेस है। और अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं बैंक में तो उसका रेट डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट खर्च किया है। मैंने देखा है कई बार जब मैं कम अमाउंट यूज़ करता हूँ तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है, और जब मैं ज़्यादा अमाउंट यूज़ करता हूँ तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं वो, शायद इसलिए क्योंकि उनको पता है कि आप फंस चुके हैं अमाउंट स्पेंड करके, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ ऐसा। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्ड से खर्च कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं सिंपली क्लिक से करता हूँ अमाउंट स्पेंड, कम अमाउंट स्पेंड करता हूँ, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है
13% 14% होता है EMI में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप SBI के FVV कार्ड पे या फिर सिंपली सेव कार्ड पे स्पेंड करते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 20% है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डिफरेंस है बट डिफरेंस है। और अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करना चाहते हो तो जो सिंपली क्लिक कार्ड है उसका जो रिडेम्पशन है वो आप अमेजोन के थ्रू कर सकते हो, अमेजोन वाउचर के थ्रू, बट सिंपली सेव और FVV में ये ऐसा नहीं है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो SBI में एक स्पेशल फीचर है BT के नाम से, जिसमें कि अगर आपने दूसरे कार्ड पे कुछ पैसे स्पेंड किए हैं तो उसको आप SBI कार्ड पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है वो आपका SBI के थ्रू कंटिन्यू होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम पड़ जाएगा। अगर आपने किसी ऐसे बैंक कार्ड पे स्पेंड किया है जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो उसको आप SBI में ट्रांसफ़र करके कम इंटरेस्ट रेट पे पे कर सकते हैं। बट ये अमाउंट, ये जो ट्रांसफ़र का केस जो है, ये सिर्फ EMIs के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आपने एक बार में आपको अमाउंट पे करना है तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप वो HDFC से कर रहे हो चाहे SBI से कर रहे हो। एक फ्लेक्सी पे का ऑप्शन भी है जिसमें आपकी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उस लिमिट के अंदर आप अपना जो अमाउंट है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो एज ए लोन, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, आई थिंक 13% है। और वो डिपेंड करता है कि आपके आप उस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको ये लोन ऑफर नहीं मिलेगा। तो बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है मेरे हिसाब से, और बस एक ही पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपको जितने चाहे क्रेडिट कार्ड्स रखने हों आप क्रेडिट कार्ड रखिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप क्रेडिट कार्ड्स रखिए इमरजेंसी के लिए, आप क्रेडिट कार्ड रखिए पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए, उन चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने ही करना है, मैंडेटरी है, इसलिए नहीं ताकि आप चीज़ों को EMI पे ले सकें और आपका लोन बर्डन बढ़ सके। सिर्फ यही एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं उसको आप EMI के लिए यूज़ नहीं करते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप EMIs के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको कि मैं EMI पे चीज़ लूँगा, तो ये एक गलत एटीट्यूड है क्रेडिट कार्ड को लेकर के, दैट्स इट। और आपका जो हैबिट है और जो आपका सेल्फ कंट्रोल है वो यहाँ पर टेस्ट होता है अगर आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो।